फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन इन द ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। अभी तक हमने जो देखा वो लेसन नंबर 1 के अंदर ब्रेल प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स के बारे में, अलग अलग जो प्रिंटर्स हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में हमने देखा था। आगे चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी, और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी किस प्रकार की होती है, मेमोरी क्यों होती है और उसका यूजेस क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में भी हम सीखेंगे। एज द वर्ड इम्प्लाइज, मेमोरी मीन्स द प्लेस वेयर वी हैव टू स्टोर एनीथिंग। दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग, जस्ट लाइक दिस मेमोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इन कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू स्टोर सम डेटा और इंफॉर्मेशन, एंड फॉर स्टोरिंग दिस आइटम्स वी नीड सम मेमोरी और स्पेस। So that is why we can say that memory is very important part of computer system। जिस तरह से हमारे पास अपनी खुद की मेमोरी है, हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरीज होती है, और वो मेमोरीज के अंदर कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, या तो हम उसके अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं सो दैट कंप्यूटर उससे रीड करेगा और आगे हम जो भी काम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर हमें करके देगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कि प्री डिफाइंड डेटा या तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर रहती है और उसी का यूज़ करके कंप्यूटर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें देता है या तो हमें रिजल्ट देता है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, इंफॉर्मेशन जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई एक स्पेस होना चाहिए जिसे हम कहेंगे मेमोरी, राइट? ओके, मेमोरी को समझने से पहले हमें मेमोरी का जो मेजरमेंट है उसको सीखना और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेमोरी का मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे, शायद मैंने आगे भी बताया कि आजकल के बच्चे जब भी फोन्स की बात करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप की बात करते हैं, तो हमेशा ये पूछते हैं कि तेरे फ़ोन में स्टोरेज कितना है, तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोरेज कितना है, तुम्हारे रैम कितनी है, तुम्हारी हार्ड डिस्क कितनी है। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर समझने के लिए हमें ये एक टेबल जो है उसको समझना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर उसे हम कहेंगे बिट, BIT। हमें पता है कि कंप्यूटर एक सिस्टम पर काम करता है और वह सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम, और वो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से ही चलती है। इट मीन्स के कंप्यूटर के अंदर जो भी कैरेक्टर हम देख रहे हैं, जो भी कलर कोड हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो हर एक चीज़ का एक बाइनरी कोड होता है, और वो कोड 0 और 1 के एक कम्बिनेशन से बनता है, और ऐसे 0 1 0 1 0 1 करके कुछ 8 डिजिट्स का जब एक ग्रुप बनता है तो हम उसे कहते हैं बाइट। ये कह सकते हैं कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, एंड 1 बाइट मीन्स के एक कैरेक्टर। फ्रेंड्स, 1 बाइट कंप्यूटर के लिए 1 बाइट यानी एक सिंगल कैरेक्टर होता है, चाहे वो स्पेस भी क्यों ना हो, डॉट क्यों ना हो, क्वेश्चन मार्क है, 0 है 1 है 2 है, एनीथिंग, कोई भी एक कैरेक्टर यानी कंप्यूटर के लिए वो 1 बाइट है, और 1 बाइट इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि 8 बिट्स। 8 बिट्स यानी आपको पता होना चाहिए कि 0 1 0 1 0 1 का जो कॉम्बिनेशन एक कोड होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 या तो 1 ही रहते हैं, और ऐसे 8 डिजिट्स जब बनते हैं जिसे हम कहते हैं 8 बिट्स, वो 8 बिट्स इज इक्वल टू कहते हैं 1 बाइट। उसके अंदर 0 0 0 0 0 0 0 1 वो भी हो सकता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 भी हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स हो सकता है, 0 0 0 0 0 8 टाइम्स हो सकता है। तो वो 8 बिट्स जो होते हैं, 8 डिजिट्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं 8 बिट्स, और 8 बिट जो होते हैं उससे बनता है हमारा एक कैरेक्टर, राइट? ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हमें 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट के अंदर क्या होता है, तो अब हमें पता चलता है कि 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स रहते हैं। 1024 बाइट्स जो होते हैं वो 1 किलोबाइट के अंदर रहते हैं, यानी 1024 कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 1 KB। जिस तरह से हम लीटर मिलीलीटर के 1000 मिलीलीटर
इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट। इसी प्रकार से 1024 बाइट्स यानी कि 1024 कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। सिमिलर वे 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट एंड 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। आज टीबी के अंदर हम बात करते हैं कि या जीबी के अंदर, मेरे कंप्यूटर में 8 जीबी की रैम है, मेरे पास 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, तो ये मेजरमेंट होता है फ्रेंड्स, केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, राइट। सो ये याद रखना कि किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस को मेजर किया जाता है, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, फोन की मेमोरीज होती है, तो किसी भी तरह की जो मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए हम ये टेबल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी या तो इंटरनल मेमोरी हम इसे कहेंगे, विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम और एज वी से विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। हमारा जो मेन सर्किट बोर्ड होता है सीपीयू के अंदर, जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर, और उसी के ऊपर वो इंटरनल मेमोरी या तो मेन मेमोरी रहती है, राइट। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, उसको और भी दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट्स उसके भी रहते हैं, एक रहती है रोम और एक होती है रैम। अब इसे देखते हैं कि व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर हर जगह पर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और हम जो काम करते हैं वो वर्क एक्चुअली यही रैम मेमोरी के अंदर हम करते हैं, राइट। रैम ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर्स द डेटा विच द यूजर करंटली यूजेस और एज वी से इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररी इन इट। रैम नीड्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ देन ऑल द डेटा इन इट विल बी इरेज ऑटोमेटिकली। दिस इज अ सर्किट विच हैव इट्स सेपरेट स्पेस और स्लॉट इन मदरबोर्ड, दिस अलाउज द कंप्यूटर टू रन द सॉफ्टवेयर फास्टर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर के अंदर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास रैम मेमोरी है और उसका एक एग्जाम्पल हमें दिख रहा है। ये कंप्यूटर के रैम मेमोरी है और ये मेमोरी अलग अलग स्लॉट जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर रहते हैं उसके अंदर हमें फिक्स करना होता है, राइट। यहाँ पर लिखा है ना कि सेपरेट स्पेस और स्लॉट इन मदरबोर्ड, कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर ये जो चिप होती है ये हम उसके ऊपर फिक्स करते हैं और यही रैम मेमोरी हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी मैनेज करती है। नो डाउट हमारा सीपीयू और उसके साथ साथ में हमारी ये जो रैम मेमोरी है वो रैम मेमोरी भी हमारी स्पीड को डिफाइन करती है। ओके, लेकिन ये रैम मेमोरी तभी काम करती है जब कंप्यूटर को हमने पावर ऑन किया है, स्विच ऑन किया है। अगर कंप्यूटर में पावर ऑफ है, कंप्यूटर बंद है, तो ये जो रैम मेमोरी उसके ऊपर आप ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो ना, दिस वन, ये उसके ऊपर लगे सिलिकॉन चिप्स है और यही चिप्स के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। यही चिप के अंदर वो डेटा टेम्पररी क्या होता है, स्टोर होता है, राइट। तो ये रैम मेमोरी जब पावर सप्लाई ऑन होता है तभी यहां पर डेटा होता है, अदरवाइज ये ब्लैंक हो जाती है। विदाउट पावर सप्लाई ये रैम मेमोरी का कुछ काम या कोई भी रोल होता नहीं है। ओके, रैम इज फर्दर क्लासिफाइड, रैम के भी दो पार्ट किए गए, उसको भी और कैटेगराइज किया गया, एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। देखते हैं स्टैटिक रैम, एस रैम क्या होता है, नोन एज स्टैटिक रैम, द वर्ड स्टैटिक रिफर्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड, सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज वॉलेटाइल इन नेचर। एस रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली, एज वी नो देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स विच रन्स इन बैकग्राउंड, एस रैम इज फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम से ये स्टैटिक रैम महंगा होता है और इसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, ये
महंगी आती है जनरली, ज़्यादातर हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर हम डायनेमिक रैम ही यूज़ करते हैं। ओके, डायनेमिक रैम नोन एज डायनेमिक रैम, इट ऑल्सो कंटेन्स डेटा ओनली वेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। डी रैम नीड्स टू रिफ्रेश पीरियोडिकली ड्यू टू दिस रैम वर्क्स स्लोअर देन एस रैम। मेनली जनरल पीसी यूजेज दिस रैम बिकॉज इट इज मच चीपर देन एस रैम एंड रिक्वायर लेस स्पेस। एस रैम और डी रैम के अंदर ये जो एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डी रैम नीड्स टू रिफ्रेश पीरियोडिकली, टाइम बींग उसको रिफ्रेश होना पड़ता है, तब जाके ऐसा होता है कि इसके अंदर जो अननेसेसरी डेटा होता है ना वो रिमूव हो जाए, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि वो रैम पूरी भर जाएगी, जैसे जैसे हम प्रोग्राम ओपन करते जाएंगे वो रैम पूरी भर जाएगी, उसके बाद उसके अंदर जगह नहीं बचेगी तो वो रैम काम नहीं करेगी, कंप्यूटर स्टॉक हो जाएगा। बट अगर उसको रिफ्रेश किया जाता है, मीन्स कि जो अननेसेसरी डेटा जो डीरैम में पड़ा होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है, तो उतनी रैम फ्री हो जाती है, रिलीज हो जाती है और हमारा पीसी जो होता है वो अच्छी तरह से स्पीड में काम करता है। और ये जो डायनेमिक रैम है वो ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डायनेमिक रैम ही लगी होती है। ओके फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद में आता है, ये तो हमने रैम के बारे में देखा, अब आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हम उसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, नोन एज रीड ओनली मेमोरी एज अ वर्ड रिफर्स मेनली, इट कैन ओनली रीड द डेटा विच इज स्टोर्ड इन इट। दिस मेमोरी इज मेनली यूज टू अवर कंप्यूटर, वैन वी जस्ट टर्न ऑन अवर कंप्यूटर इट बिकम्स, इट कंटेन्स बायस ऑफ सिस्टम, दिस इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। मीन्स नॉन वॉलेटाइल यानी फ्रेंड्स, ऐसा कि जिसके अंदर लिखा हुआ जो डेटा है वो कभी रिमूव होता नहीं है, चाहे आपका पावर सप्लाई ऑन है चाहे आपका पावर सप्लाई ऑफ है। नाउ अब ये समझते हैं कि ये रोम होता क्या है। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना, दिस वन यहाँ पर लिखा है एमी बायस, ये जो मेमोरी की चिप है इसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ROM। अब ये जो रोम है उसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसका क्या यूज होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए कि ये जो एमी बायस लिखा चिप है ये उस कंपनी ने बनाया है जिसने ये जो पूरा मदरबोर्ड होता है ना, ये जो पूरा मदरबोर्ड जिसने बनाया है उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ ये बायस होता है, ये बायस की चिप होती है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर क्या आता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखा आता है? नहीं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर जो भी कंपनी का होगा वो कंपनी का नाम लिखा आता है, चाहे इंटेल का होगा, एसर का होगा, डेल का होगा या किसी और कंपनी का होगा, तो वो कंपनी का लोगो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर आता है। वो कहां से आता है, तो वो लोगो जो होता है वो यहां पर होता है, वो इसमें से बाहर निकलता है और आपके स्क्रीन के ऊपर आता है। इसके अलावा ये जो बायस का जो चिप है, रीड ओनली मेमोरी है, उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में है या आप कहां से कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहता है। एक प्रोसेस होती है फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं बूट, BOOT, बूट। बूटिंग का एक प्रोसेस होता है, बूटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इन द रैम ऑफ द कंप्यूटर। हमने आगे देखा कि हमारी जो रैम है वो एम्प्टी है, खाली है, लेकिन जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वही रैम मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम्स है वो लोड होते हैं, और वो कहां से लोड होने हैं उसका डेफिनेशन ये बायस के अंदर लिखा होता है कि सबसे पहले हार्ड डिस्क के अंदर चेक करो, फ्लॉपी डिस्क के अंदर चेक करो या यूएसबी ड्राइव से हमें चेक करना है, जिससे बूट करना कहते हैं। मीन्स कि हमारा कंप्यूटर कहां से बूट करना है, हार्ड डिस्क से बूट करना है, यूएसबी ड्राइव से बूट करना है के फ्लॉपी डिस्क से या सीडी या डीवीडी से बूट करना है, उसके बारे में सब कुछ यहां पर पहले से लिखा होता है। आपको इसके अंदर चेंजेस करना है तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो, बाकी की जो डिटेल्स होती है वो कंपनी की ओर से रहती है जिसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं।
ये जो होती है ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर भी मेनली थ्री कैटेगरी है, एक है प्रोम, एक है ई प्रोम और एक है ई प्रोम। प्रोम, ई प्रोम एंड व्हाट इज प्रोम? तो फ्रेंड्स, नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन दिस व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड, व्हेन वी हैव नो राइट टू चेंज और ऑल्टर एनी डेटा टू इट, इन दिस द डेटा इज रिटर्न बाय मैन्युफैक्चरर कंपनी, इवन यू कैन ऑल्सो परचेज ब्लैंक प्रोम चिप, बट इट कैन बी प्रोग्राम बाय स्पेशल टूल सच एज प्रोम प्रोग्रामर्स। इन जनरल पीसीज मेनली प्रोम इज यूज बिकॉज वी डोंट हैव टू ऑल्टर एनी डेटा टू इट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे पास ये जो चीप होती है, एमीबायस यहां पर लिखा है, ये जो प्रोम की चीप है, इसके अंदर जो कंपनी ने ये मदरबोर्ड बनाया है उसी कंपनी ने इसके अंदर डेटा ऑलरेडी राइट करके ही हमें दिया है। हम जब भी घर पे आएंगे, हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो एक बेसिक फंक्शनैलिटी ऑलवेज होती है, पावर सप्लाई ऑन होता है, फिर हमारे कीबोर्ड के अंदर लाइट होती है, हमारे माउस के अंदर लाइट होती है, मिस के जो रूटीन चेकअप होता है वो इसके अंदर लिखा होता है, हार्ड डिस्क या तो फ्लॉपी डिस्क या तो डीवीडी या तो पेन ड्राइव से बूट करना है वो इसके अंदर लिखा होता है। तो वो रूटीन चेकअप ईच एंड एवरी टाइम कंप्यूटर करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर एक बार वो प्रोग्राम लिख लिया गया है कि ये काम करना ही है। तो हर बार हम जब भी पावर सप्लाई ऑन करेंगे तब कंप्यूटर वो रूटीन जो वर्क है वो हमेशा करता है। यहां पर वही लिखा है कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो अपना सिंबल, अपना लोगो, अपना कंपनी का नेम्स और वो सब इसके अंदर लिख के कंप्यूटर को बनाते हैं, राइट। और ये जो चिप होती है उसके अंदर हम कभी भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। आप ये कहो कि मुझे वो कंपनी का लोगो हटा के मेरे खुद का नाम वहाँ पर लिखना है कि और कोई पिक्चर लिखना है, तो हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ वो कैसे मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी वंस आप उसको अंदर प्रोग्राम कर सकते हो बाद में वो मेमोरी रीड ओनली मेमोरी बन जाएगी, राइट। ओके, सेकंड आती है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोम। एज द वर्ड रिफर, इरेजेबल मीन्स वी कैन चेंज और इरेज द डेटा। सो इन ई प्रोम वी हैव राइट टू चेंज द डेटा, इन दिस वी कैन चेंज द डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। ई प्रोम इज मच एक्सपेंसिव देन प्रोम, राइट। ई प्रोम वंस एक बार आपने उसको राइट कर दिया फिर आप उसको रीराइट कभी नहीं कर सकते, राइट। बट ये जो इरेजेबल प्रोम है ई प्रोम, वो आप बार बार उसके अंदर डेटा चेंज कर सकते हो, लेकिन वो एक स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी होती है अल्ट्रा वायोलेट रेज की मदद से आप इसके अंदर वो जो ई प्रोम है उसके अंदर का डेटा चेंज कर सकते हो। और ऑब्वियसली वो कंपेयर टू जो प्रोम है वो महंगी ही है। अगर दूसरी तरह से मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास सीडी या तो डीवीडी हम यूज करते हैं, है ना। तो डीवीडी के अंदर आपने देखा होगा कि डीवीडी एक बार आपने राइट कर ली फिर आप उसके अंदर कभी भी डेटा चेंज कर सकते हो? यूनिवर आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उसके अंदर डेटा राइट हो गया, अब आप उसके अंदर कोई और मूवी या कोई और प्रोग्राम या कोई और सॉन्ग ऐड करना चाहोगे तो पुराना डेटा आप निकाल के उसके अंदर कोई नया डेटा ऐड नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज प्रोम, इट इज समथिंग लाइक प्रोम कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार उसके अंदर प्रोग्राम लिख लिया। लेकिन हमारे पास रीराइटेबल डीवीडी भी होती है या तो रीराइटेबल डीवीडी मिलती है, राइट। इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 times हायर होती है, 2 rupees की या 4 rupees की या 5 rupees की आपको डीवीडी मिलती है तो आपको 40 या 50 या 60 rupees की रीराइटेबल डीवीडीज मिलेगी। यानी कि वो जो डिस्क है वो ई प्रोम है, यानी इरेजेबल, जिसके अंदर का डेटा आप इरेज भी कर सकते हो और अगेन आप उसके अंदर नया डेटा लिख सकते हो। तो इसी तरह से ये अलग अलग चिप्स भी रहती है, जैसे प्रोम है उसी तरह से ई प्रोम भी आती है जिसके अंदर आप इरेज करके नया डेटा लिख सकते हो। और उसके बाद में आता है ई प्रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोम, द टाइप ऑफ रोम विच कैन बी इरेज बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस।
EEPROM can be erased one byte at any time rather than erasing the entire chip by ultraviolet rays. अब EEPROM और EEPROM के बीच में ये है कि EEPROM के अंदर का जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मदद से रिमूव किया जाता है और बाइट बाय बाइट, वन बाइट एट ए टाइम, राइट, एक एक बाइट करके वो डेटा इरेज होता है. सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम. जबकि EEPROM के अंदर जो डेटा होता है वो पूर एंटायर चिप अल्ट्रा वायोलेट रेस की मदद से रिमूव की जाती है, तो उसके अंदर फटाक से वो डेटा रिमूव हो जाता है. ओके, सेकेंडरी मेमोरी आती है. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक टैप होती है जिसके अंदर ये जो फिल्म है, ये फिल्म के अंदर डेटा क्या होता था, स्टोर होता था. शायद आपके घर पर कोई पुराने ऐसे ऑडियो कैसेट पड़े होंगे, वीडियो टैप्स है. तो फ्रेंड्स, ये जो टैप है उसके अंदर का डेटा यहाँ पर राइट किया जाता था और ये जो यहाँ से वाइंड होता था, यहाँ पर वो गोल घूमता है और यहाँ पर ये जो टैप है वो यहाँ से मूव होती हुई यहाँ पर अंदर मूव हो जाती है और एक सिक्वेंस के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है. अगर शुरुआत का कोई डेटा है तो अब वो तो चेक अंदर चला गया होगा, अभी तो पीछे वाला डेटा निकल रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो टैप यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ से जो टैप का हेड होता है वो यहाँ से उसको रीड करता है. मीन्स कि रैंडमली कोई भी लोकेशन पर आप जाके रीड नहीं कर सकते, आप सिक्वेंशली यहाँ पर रीड राइट कर सकते हो. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल डेटा सिस्टम, राइट. मैग्नेटिक टैप अपीयर सिमिलर टू द टैप यूज इन म्यूजिक कैसेट. इट इज अ प्लास्टिक टैप विद मैग्नेटिक coating. Mainly it is used to store music, movie, etc. It is not used to store data in it because, as we know, it comes under sequential access and it read data line by line so that we can't find the exact location of the data, right? Songs से, videos है, उसके लिए ज्यादातर हम magnetic tape का use करते हैं. तो सामने आप देखो कि मैग्नेटिक डिस्क आती है, जे हमारी सीडी डिस्क है या तो डीवीडी डिस्क है, राइट. दिस इज वाइडली यूज पॉपुलर स्टेज मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज. दिस इज द प्लेस वेयर डेटा कैन ऑटोमेटिकली सेव व्हेन वी क्लिक ऑन सेव बटन. इट इज नॉन वॉलेटाइल सो दैट वंस डेटा इज स्टोर्ड इन इट विल नॉट लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ. पावर चला जाता है फिर भी उसके ऊपर राइट किया गया डेटा कभी भी रिमूव होता नहीं है. पुरानी जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क रहती थी 5.5x5.5 इंच की बड़ी सी ब्लैक कलर के कवर के अंदर मैग्नेटिक टैप रहती थी. वो फ्लॉपी डिस्क हम यूज करते थे डेटा रीड और राइट करने के लिए. बहुत छोटी सी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, 560 KB, 560 KB की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी. आज तो हमारे पास जो DSLR कैमरा है उसके अंदर या तो आईफोन या आपके मोबाइल फोन के अंदर आप जो इमेजेस क्लिक करते हो, फोटोशूट करते हो ना, उसकी स्टोरेज भी 10 MB से ज़्यादा होती है उसकी साइज. जबकि पुराने टाइम पर जब फ्लॉपी डिस्क जो हम यूज़ करते थे 5.25 इंच की, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम हुआ है ना, काफ़ी कम हुआ करते थे, 360 KB या ऐसी कुछ. ओके, और हार्ड डिस्क भी हमारे पास होती है. हार्ड डिस्क के अंदर भी मैग्नेटिक डिस्क सिमिलर वे से, मैग्नेट से ही वो डेटा हमारा वहां पर राइट किया जाता है. हार्ड डिस्क इज नोन एज द हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव. दिस इज द प्लेस वेयर द वी स्टोर अवर डेटा और इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिट्राइव फॉर फर्दर use. This is place where we install our OS so that we can run our computer. Hard disk comes fixed in our system and if you require more hard disk then it comes in removable also. The average computer today comes with a 250 to 500 gigabyte hard drive. Hard drive हमेशा हमारे CPU के अंदर रहता है और आज के date में 1 TB, 2 TB तक के हार्ड ड्राइव हमारे पास रहता है. ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है, कंप्यूटर का जो CPU बॉक्स है उसके अंदर रहता है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर रहती है और भी जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो सब वहीं पर स्टोर होता है, राइट. फ्लॉपी डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर हमारे पास
अभी तो हम फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं करते हैं, बट अर्ली स्टेज में जब विंडोज़ भी नहीं था, विंडोज़ का एक वर्जन मुझे पता है विंडोज़ 3.1 था, उसके बाद विंडोज़ 3.11 आया था तो वो जो विंडोज़ का 3.1 वर्जन आया था उसके पहले का हम क्या यूज़ करते थे, हम डॉस बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हुआ करता था, एक वर्ड स्टार जैसा आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ करते हो उसी तरह से वर्ड स्टार नाम का सॉफ्टवेयर था, एक्सेल यूज़ करते हो तो लोटस 123 नाम का एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, छोटी छोटी एप्लीकेशंस थी जिसके अंदर हम लिमिटेड वर्क कर सकते थे, डेटाबेस के लिए डीबेस था जिसका हम यूज़ करते थे, तो वहाँ पर जो फाइल बनती थी वो काफ़ी छोटी बनती थी, उसके लिए हमें ये फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, राइट, और काफ़ी छोटी साइज के अंदर हम उसका यूज़ करें, यहाँ पर लिखा है ना अर्लियर 5.25 फ्लॉपी डिस्क वेर यूज बट दिस डिस्क हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट 360 किलोबाइट मेरे ख्याल से, सो न्यू फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट आया जिसका 3.5 की फ्लॉपी, जिसका जो स्क्वायर था 3.5 × 3.5 का स्क्वायर वो आई थी, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 मेगाबाइट, राइट फ्रेंड्स, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.44 मेगाबाइट, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते थे, राइट उसके बाद में आई ऑप्टिकल डिस्क जो आज हम सीडी डीवीडीज के नाम से यूज करते, गोल्ड प्लास्टिक का केस होता है और उसके अंदर भी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा रीड और राइट किया जाता है जिसे हम कहते हैं लेजर, लेजर की मदद से जिसके अंदर डेटा रीड एंड राइट किया जाता है, राइट, इसके लिए हमारे पास सीडी ड्राइव रहते हैं, सीडी रोम यानी एक बार वो सीडी के अंदर राइड करेगा, और सीडी आरडब्ल्यू यानी एक डिस्क रीराइटेबल डिस्क है जिसके अंदर आपको बार बार डेटा रीड और राइट करना है तो आपको सीडी आरडब्ल्यू परचेस करना पड़ता है, राइट, इसी तरह से हमारे पास डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, अभी तो कोई सीडी यूज नहीं करता, अभी हम डीवीडी यूज करते हैं, डीवीडी भी दो तरह की आती है, डीवीडी रोम और डीवीडी रीड एंड राइट, जैसा मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि एक प्रोम होता है, ये प्रोम है ROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार ये डीवीडी डिस्क के अंदर आपने डेटा राइट कर दिया फिर आप इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जबकि अगर आपके पास रीराइटेबल डीवीडी है तो आप डीवीडी के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, नया डेटा ऐड कर सकते हो, ये होता है डीवीडी रोम एंड डीवीडी प्रोम, ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आई होप कि आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम ये अलग अलग मेमोरीज कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, कौन सी मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, उसका यूज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो आपको पता चल गया होगा, राइट, ओके, सो आपको क्या करना है कि मेमोरीज के जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक दिए प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी उसको आपको नोट डाउन करना है, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रीड ओनली मेमोरी और रोम आता है, रैम के अंदर आता है स्टैटिक और डायनेमिक, तो वो सिर्फ टॉपिक वाइज आपको एक चार्ट बना लेना है आपके क्लास वर्क के अंदर के किस तरह से मेमोरीज होती है और किस तरह से मेमोरीज काम करती है।